बच्चों, आप सोचते होंगे कि हम क्यों बेकार में हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्यों ये जानना जरूरी है कि सॉलिड्स हार्ड होते हैं, मेटल्स शाइनी होती हैं, कोई भी एलिमेंट मेलेबल या डक्टाइल है या नहीं, या फिर वो हीट का कंडक्टर है या नहीं। ये सब तो आपके लिए यूजलेस है, पर ये सब प्रॉपर्टीज यूजलेस नहीं बल्कि बहुत यूजफुल हैं। एक्चुअली अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेस पर ही हम उन्हें अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। आपने अपनी मम्मी को किचन में फ्राइंग पैन यूज करते तो देखा ही होगा। अरे वही जिस पर ऑमलेट या पैनकेक्स बनाती है मम्मी। क्या आपने नोटिस किया है कि पैन तो स्टील का बना है पर उसका हैंडल वुड या प्लास्टिक का क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टील हीट का गुड कंडक्टर है और ये हीट को उसमें पक रहे फूड में ट्रांसफर करती है। पर अगर ये हीट हैंडल में भी ट्रांसफर हो गई तो हमारे हाथ हीट से बर्न हो जाएंगे। इसी को अवॉइड करने के लिए पैन के हैंडल को प्लास्टिक या वुड का बनाया जाता है क्योंकि वो हीट के बैड कंडक्टर हैं। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। ज्वेलरी पहनकर शाइन करना तो सब गर्ल्स और लेडीज को बहुत पसंद होता है। इसीलिए ज्वेलरी गोल्ड, प्लैटिनम या सिल्वर से बनाई जाती है क्योंकि ये शाइनी मेटल्स हैं और ये एयर के साथ रिएक्ट करने पर भी अपनी शाइन नहीं खोती। कॉपर और एल्यूमिनियम हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होने के साथ साथ मैलेबल और डक्टाइल भी हैं। इसीलिए इनका यूज यूटेंसिल्स और इलेक्ट्रिक वायर्स में किया जाता है। कॉपर को जिंक के साथ मिक्स करने पर ब्रास और टिन के साथ मिक्स करने पर ब्रॉन्ज बनता है जो कॉपर को और स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बना देता है, जिसका यूज स्टैचूज, यूटेंसिल्स, डोर नॉब्स, हैंडल्स, मशीन, टैप्स और इलेक्ट्रिक फिटिंग्स बनाने में होता है। आयरन एक स्ट्रॉन्ग और आसानी से मिलने वाली मेटल है, इसीलिए इसका यूज हैवी टूल्स और मशीन्स बनाने में होता है। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है और इसकी शाइन भी जबरदस्त होती है, जिसकी वजह से प्योर डायमंड को जेम की तरह और इम्प्योर डायमंड को क्लास कट करने के लिए यूज किया जाता है। ग्रेफाइट पेपर को ब्लैक कर सकती है, इसीलिए इसका यूज पेंसिल की लेड बनाने में होता है। कोल, वुड और नेचुरल गैस को बर्न करने से बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इनका यूज फ्यूल की तरह किया जाता है। प्लास्टिक क्योंकि हीट का नॉन कंडक्टर है, इसीलिए इसे इंसुलेटर की तरह यूज किया जाता है और बैग्स, शूज, बेल्ट्स, बैट्स, टायर्स, पाइप्स, अनब्रेकेबल एंड नॉनस्टिक कुकवेयर के लिए भी प्लास्टिक ही यूज किया जाता है। आर्गन और नियॉन गैस का यूज इलेक्ट्रिक बल्ब्स को फिल करने में किया जाता है क्योंकि ये इनर्ट गैसेस हैं और बल्ब के फिलामेंट जो कि टंगस्टन से बना होता है उसे रिएक्ट नहीं करती और उसे डिस्ट्रक्शन से बचाती हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि H2O यानी वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।